तमिल फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस प्रियंका ने खुदकुशी कर ली है। प्रियंका ने वेलासारावक्कम स्थित घर पर ही बुधवार को फांसी लगाकर जान दे दी। प्रियंका की मौत की खबर सबसे पहले उनकी नौकरानी ने दी। सुबह नौकरानी जब उनके घर पर पहुंची तो उसने प्रियंका को पंखे से लटका हुआ पाया। इसके बाद नौकरानी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सुसाइड की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है, इसलिए होता था पति से झगड़ा। प्रियंका की शादी को करीब 3 साल हो चुके थे लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण फैमिली में अनबन होती रहती थी। पिछले 3 महीने से प्रियंका पति से अलग रह रही थी। प्रियंका तमिल टीवी शो वमसम में ज्योतिका के किरदार से मशहूर हुई थी। इस सीरियल में वह बाहुबली फेम एक्ट्रेस राम्या कृष्णन के साथ नजर आई थी। इसके अलावा वह उन्होंने अपूर्वा रागंदल और बैरवी जैसे टीवी शो में भी काम किया। प्रियंका नए साउथ की कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। 2018 में अब तक सुसाइड कर चुके फिल्म और टीवी इंडस्ट्री सेलेब डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे रविशंकर। फिल्म अब तक 56 के असिस्टेंट डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर रविशंकर आलोक ने 12 जुलाई को ही 7 बंगला परिसर बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। रविशंकर वहां भाई के साथ रहते थे। जांच के दौरान 32 वर्षीय रविशंकर के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। रविशंकर को पिछले कई दिन से काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वह डिप्रेशन में थे। होली खेलने के बाद उठाया कदम। सिलिकॉन वैली मुंबई में बनी एक बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से कूदकर संजय बैरागी ने सुसाइड कर लिया था। संजय ने सुसाइड से पहले अपने दोस्तों के साथ होली भी खेली थी। वहीं होली खेल कर लौटे संजय ने सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की बात लिखी थी। जेड न्यूज की रिपोर्ट।